Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning everyone. This is Manna Khan. Welcome to my YouTube channel Manna Khan Vlog. आज मैं जा रहा हूँ भैया के साथ रेती वाले मार्केट में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वहाँ पे. तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ. और काफ़ी दिनों पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे जैसे आपको बल्ब हुआ, ये सब सामान हुआ, पंखा हुआ, ये सब तो मिल जाता है, लेकिन कभी कभी उसके जो पार्ट्स होते हैं वो खोजने में काफ़ी दिक्कत होती है. तो आज हम लोग को वही लेने जाना है, भैया को एक्चुअल में लेने जाना है. थोड़ा कुछ बल्ब का पार्ट लेना है और कुछ ट्रांजिस्टर कुछ कह रहे थे वो लेना है. तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि पार्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे, किस दुकान पे मिलेगी, वो नाम भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा. तो अगर आपको भी कभी दिक्कत हुआ ऐसा और वो पार्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आप उस दुकान पे जाके फोटो दिखा के ही आप वो पार्ट्स ले सकते हैं, अगर आपको नाम भी नहीं मालूम है तो. तो चलिए हम लोग चलते हैं. और मौसम देख ही रहे हैं, काफ़ी सुहाना मौसम है. अगर थोड़ी सी धूप निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी तक धूप नहीं निकली और आई थिंक 12:30 हो रहा होगा समय. तो बिना समय गंवाए चलते हैं, क्योंकि अब उम्मीद भी नहीं है कि धूप निकलेगी. तो चलिए चलते हैं. फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ पे शास्त्री चौक पे, और देख ही सकते हैं यहाँ पे अभी जो फुहर्रा है फाउंटेन वाला वो अभी चालू नहीं है. तो अब हम लोग आगे चलते हैं. यहाँ पे कुछ जो बिल्डिंग बन रही थी साइड में, आप देख सकते होंगे कुछ गुम्बद जैसा होगा ऊपर, ये बिल्डिंग नई बन रही है और इसका काम अभी कुछ दिन पहले ही लगा था. और देख रहे हैं अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसका काम, और दिखने में भी काफ़ी सुंदर है. कि किस चीज़ का मैं नाम नहीं पढ़ पाया, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग को इसका पूरा नाम बता दूंगा. और जाहिर सी बात है यहाँ पे हॉस्पिटल है, गोरखपुर का सरकारी हॉस्पिटल, तो उसी के संबंधित में कोई बिल्डिंग होगी ये. और देख ही रहे हैं अभी भी इसमें काम चल ही रहा है. तो अब हम लोग आगे चलते हैं. अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, देख ही सकते हैं चौराहे पे एक तरह से. और यहाँ से अगर हम लोग राइट जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल पड़ जाएगा और गोलघर का जो रोड है वो पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग उधर नहीं जाना, हम लोग सीधे जाएंगे. और ये जो मार्केट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संबंधित आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे, यहाँ तक कि पंखे भी मिल जाएंगे आपको और ब्लोअर, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर. और लाइट बल्ब और जो सीलिंग में लगता है बल्ब, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ तक कि दिवाली की लाइट्स भी आपको मिलेंगी यहाँ पे. तो अब हम लोग आगे चलते हैं. लोगों को अगर इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कोई भी पार्ट लेना हो या कुछ भी जो कि नहीं मिल रहा होगा गोरखपुर में, तो आपको गोरखपुर में ही मिलेगा वो सामान, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आइएगा. और जस्ट यहाँ पे पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के ठीक सामने अंदर एक कटरे जैसा है, कटरे के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान मिलेगी सदा इलेक्ट्रॉनिक करके. उसका पूरा नाम मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आगे लिखा था सदा इलेक्ट्रॉनिक. वहाँ पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पीले कलर की बोर्ड है वही है. तो वहाँ पे आप लोग को पूरा सब कुछ मिल जाएगा. आप जो भी चीज़ उन लोग से दिखाएंगे, या फिर अगर आपको नाम नहीं मालूम है तो आप फोटो लेके आइएगा खींचकर और वो दिखा के ले लीजिएगा, चाहे ब्लोअर का हो या फिर इन्वर्टर का हो या फिर कोई भी सामान हो, आपको ए टू जेड वहाँ पर मिल जाएगा. जो भी इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स है सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पर. मुझे भी ये नहीं पता था, जस्ट अभी भैया ने कुछ सामान लिया है तो वहाँ पे मैंने देखा कि और भी लोग सामान ले रहे थे, सभी लोग फोटो लेके आ रहे थे और लेके जा रहे थे सामान. तो मैंने सोचा कि आप लोग को वो भी मैं बता दूँ. और ये आपको जो भी ज़रूरत हो आप आके देख लीजिएगा आपको क्या लेना है क्या नहीं. तो मैं चलता हूँ, मैं आप लोग को अभी बैक कैमरे से भी दिखा देता हूँ. यहाँ पर देख रहे हैं ये पुलिस चौकी है, और ठीक इसी के सामने मैं आप लोग को दिखा देता हूँ रोड की इस बगल, और ये जो गली के अंदर एक मिनट, ये देख रहे हैं सदा इलेक्ट्रॉनिक एंड रेफ्रिजरेशन, जस्ट अंदर गली में आप लोग को मिल जाएगा इसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे. ठीक है, फाइनली आपने इलेक्ट्रॉनिक का दुकान का नाम भी देख लिया. तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और देखते हैं, और भी कुछ अगर दिखता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. फाइनली अब हम लोग यहाँ पर रुक गए चाट खाने के लिए, काफी ज्यादा भूख लगी थी भैया को,
तब हम लोग यहाँ पे चाट खाएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे और देख ही रहे हैं। इस वक्त फाइनली मैं रेती वाले रोड में हूँ। यहाँ पे एक आहुजा करके बोर्ड होगा, यहाँ पे अंदर गली में जाने पे आपको ट्रांजिस्टर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, ये जैसे रेती वाले रोड में हम लोग मोबाइल का जो सामान वन मिलता है उसके जस्ट बगल वाले में आपका सामान मिलता है। यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, देख रहे हैं ऊपर नाम उल्टा दिख रहा होगा इस वक्त आप लोग को। और यहाँ पे आपको इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये सब बल्ब देख रहे हैं, ये सब ट्रांजिस्टर हैं, तेन काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान था जो कि मैं देख नहीं पाया हूँ। और भी बहुत कुछ सामान है यहाँ पे, तो ये सब दुकानें हैं। आप इस रोड में कई बार आए होंगे, ये रेती वाला जो मेन रोड जाता है और जहाँ पे मोबाइल का सारा टेम्पर्ड ओम्पर्ड मिलता है, उससे लगभग 5-6 दुकान आगे आपको अंदर गली मिल जाएगी, वहाँ पे आपको इस तरह की जो भी सामान है ये सब मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये भैया बता रहे थे वहाँ पे कि अगर आप आते हैं तो ये आपको जो भी हो लिस्ट बना के लाइएगा और क्वांटिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही आपको सस्ता मिलेगा। अगर आप सिंगल पीस इस तरह लेना चाहते हैं तो वो लोग देंगे, लेकिन खाली समय में अगर भीड़ रहेगी तो सिंगल पीस वो लोग नहीं देंगे। और देख ही रहे, आज मार्केट बहुत ही खाली है क्योंकि ठंडी का दिन है और मौसम अभी तक धूप निकल रहा है लेकिन नॉर्मली है। तो अब हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से जो हम लोग को लेना था वो हम लोग ने ले लिया, तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं। और अगर और कुछ दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।